हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन। फ्रेंड्स, दिवाली डेकोरेटिव कुछ आइटम्स मैंने खरीदे हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं, और आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इस समय मैंने तो बहुत ज़्यादा खरीदारी की है घर के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े और बहुत आइटम मैंने खरीदे, बट मैं सबका वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं जो भी डेकोरेटिव रिलेटेड चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ साड़ियों का एक वीडियो बनाऊँ क्या क्या मैंने खरीदी है, क्योंकि इधर बहुत सारे त्यौहार बीत चुके हैं आने वाले, इसके लिए हमने साड़ियाँ खरीदी हैं। इसका मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि बाद में आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये जो मैं आइटम दिखा रही हूँ उसको कुछ मैंने मीशो से मंगाया है और कुछ मैंने ऐसे लोकल मार्केट से खरीदी है। मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी मैंने कहाँ से क्या लिया है। तो चलिए वीडियो, तो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही ये ब्यूटीफुल सी घड़ी ली है। ये उडेन है और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस टाइप का मैं अपने लिए एक घड़ी लूं, और इस दिवाली मैंने फाइनली इसे ले लिया है। काफ़ी खूबसूरत है ये, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन है, और इसको मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया है। उसके बाद और मैंने ये लिया है, खूबसूरत सा ये भी डेकोरेटिव पीस है, और इसके साथ ही मैंने एक ये उर्ली ली है टर्टल शेप में, और इसके अंदर हम पानी डाल के, फ्लावर डाल के इसके अंदर फ्लोटिंग दिए और कैंडल डाल सकते हैं, और दिवाली के दिन बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। सो मैंने इसको लिया है, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने डबल डबल ली हैं, कुछ घर भिजवा दिया है और एक एक सेट अपने पास मैंने रखा है। इसमें का मैंने दो लिया है, इसमें का भी दो लिया था, इसमें ये ब्लू लगे हुए हैं। ये सब मैंने यहाँ एक लोकल मार्केट से लिया है, हमारे बगल में ही एक सिल्क बाज़ार लगा हुआ था एग्जीबिशन टाइप का, वहाँ से मैंने ये सब लिया है। और उसके बाद ये भी मैंने वही एग्जीबिशन से ही लिया है, वॉल हैंगिंग काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए इसमें ये छोटे छोटे से मोर बने हुए हैं जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। ये सब मैं दिवाली में डेकोरेट करने वाली हूँ, इसको यहाँ से हैंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए एक प्यारा सा गणेश जी का ये है, ये मेटल का है, और ये भी मैंने उसी एग्जीबिशन से लिया है, काफ़ी खूबसूरत है। इस पर स्टोन वर्क हो रखा है और उसमें एक ये होल दिया हुआ है ऊपर, इसको हम हैंग कर सकते हैं। मोस्टली इसको हम दरवाजे पे लगाते हैं, ये फेस वाला है। उसके बाद मैंने ये डोर हैंगिंग दिया है, इस तरह से इसमें बीच में गणेश जी बने हुए हैं, और ये मैंने यहाँ की लोकल शॉप से लिया है, और इसमें का मैं और लेकर आऊँगी, और चार पीस इसमें का मैंने घर से भिजवाया है। काफ़ी खूबसूरत घर को सजाने के लिए मैंने कुछ फ्लावर पॉट्स लिए हैं, ये देखिए छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से, ये भी मैंने एग्जीबिशन से ही लिया है। ये चेरी टाइप का है, ये छोटा सा प्यारा सा है, और ये देखिए येलो कलर में, तो ये मैंने सारे पॉट्स लिए हैं। उसके बाद मैंने एक ये फ्लोटिंग कैंडल ली है, ये भी वहीं से लिया है, इसके अंदर ये कलर दिया हुआ है, और किसी भी कांच के ग्लास में पानी लेंगे और उसके अंदर ये कलर डाल के और फ्लोटिंग कैंडल्स ये डाल देंगे। ये आज ये मैंने जार लिए हैं दो, ये भी वहीं से लिए हैं, और इसके अंदर मैंने बच्चों के लिए कैंडियाँ डाली हैं, ये इमली वाली है और ये भी इमली वाली है, अलग फ्लेवर है। उसके अलावा मेरे पास और ये कांच के जार हैं, तीन का सेट,
ये तो मैंने मॉल से लिया है, मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और इस सबके अंदर कैंडी है अलग अलग टाइप की, और ये सारी कैंडियाँ मैंने जो सिर्फ बाज़ार लगा है वहीं से लिया है, बहुत तरह तरह का वहाँ पे था तो सब ला के मैंने। उसके बाद मैंने ये देखिए हुक लिया हुआ है इस तरह से, क्योंकि हम रेंटेड में हैं तो वहाँ पे ये किल लगाना मना है, उन्होंने मना किया कि किल नहीं लगाना है। तो मैंने ये डबल साइड टेप वाला ये है, इजली ये चिपक जा रहा है, और ये सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए मैंने लिया है। उसके अलावा मैंने ये कैंडल मंगाई है, और ये मैंने मंगाया है मीशो से एलईडी वाली, ये 6 पीस है इसके अंदर। फिर मैंने ये एक मंगाया है, ये लिप आर्टिफिशियल लिप, ये भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया है और काफ़ी अच्छा है, इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ इस बार दिवाली में। इसके अलावा लास्ट है मेरे पास ये है करवा चौथ की थाली। करवा चौथ की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। इसके अंदर हमें मिल जाती है एक ये ब्यूटीफुल सी थाली, ये मैंने 2 सेट मंगाए थे, एक अपने लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। इसके अंदर ये 2 छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं, एक ये दिया वाला है, और ये देखिए ये सबसे सुंदर लगा मुझे। इसके अंदर हम रोड़ी चावल रोली डालेंगे, चावल डालेंगे जब हम पूजा करने जाएंगे, तो ये रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा एंट्रेंस, ये रही मेरी दिवाली की शॉपिंग, और एक आध आइटम मुझे अभी और लेना है तो मैं आगे लूँगी। तब तक मैंने ये सारी चीज़ों का वीडियो बना दिया है, जैसे कि मुझे स्ट्रिंग लाइट लेनी है और गेंदे वाले फूल मैं लाई हूँ और मुझे लाना है उसके लिए, तो देखते हैं कब जाते हैं। तब तक मैंने ये सारी वीडियो बना दी आप लोगों को। ये वीडियो ये है आर्टिफिशियल गेंदे के फूल, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये 3 कलर में था, या तो बिल्कुल येलो या रेड, या फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन, मैंने ये कॉम्बिनेशन वाला लिया है, और इसको हम धुल के दोबारा यूज कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लगाने में। एंड फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और कमेंट करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।